सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल को और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपने स्मार्ट टाइम के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर SBI बैंक में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है या समस्या आती है, आपका काम नहीं होता है या बैंक वाले आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार दौड़ा रहे हैं, आपका काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ATM कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे पैसा ट्रांसफर करने से रिलेटेड हो, गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो कहाँ पे आपको कंप्लेंट करनी है ताकि जो आपका जो है समस्या का हल हो सके। इस वीडियो में यही बात करेंगे, पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कई बार क्या होता है, हम जाते हैं बैंक अपने, और आपको पता है SBI की जो बैंक है सबसे बड़ी ब्रांच है और ज्यादातर लोगों के खाते SBI में है, भारतीय स्टेट बैंक में यानी कि, और बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, परेशान करते हैं बैंक वाले, कभी बोलेंगे कल आना, कभी बोलेंगे परसों आना, तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, राशन पैन कार्ड नहीं है, या कुछ ना कुछ जो है गलतियां आपको बताते रहेंगे ताकि बात को टाल मटोल करते रहेंगे, आ जाना कल आना परसों आना, आज ये है वो है, आपको बहाना मारते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारा अकाउंट जो है एक नंबर गलत होने के कारण दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें ऐसा कि हमारा पैसा रिफंड भी हो जाए और हमारा जो काम नहीं हो रहा है बैंक में जाने के बावजूद बार बार हमें बार बार बैंक में बुलाया जा रहा है, आ जाना कल आना टाल मटोल किया जा रहा है, तो उन लोगों की कंप्लेन हमें कहाँ पे करनी है, इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें और एक ऐसा नंबर दूंगा जिसे आपकी समस्या का हल हो जाएगा, बस आपको एक छोटा सा मैसेज करना होगा। तो चलिए चलते हैं डिस्प्ले की ओर। और दोस्तों, आपको मैसेज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक में नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप किसी भी नंबर से जो है मैसेज कर सकते हैं, ये बैंक की बहुत ख़ास बात है। और आपको मैसेज में क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SBI का जो है SMS अनहैप्पी सर्विस, जहाँ पर जो है आप अगर आपका कोई दिक्कत आता है, बैंक वाले काम नहीं करते हैं, या कोई ATM कार्ड अप्लाई करना है, या कुछ भी अप्लाई करना है, या कुछ बात करनी है, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या आपका कहना नहीं मान रहे हैं बैंक वाले, या आपको टाल मटोल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पर ये नंबर टाइप करना है जो आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, 800-820-2020 टाइप करके बड़े अक्षरों में अनहैप्पी लिखकर SMS कर दीजिएगा। आपको SMS करने के बाद आपको जो है बैंक के तरफ से आपको मैनेजर की कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है, अपनी परेशानी और समस्या बताइए, आपको अपनी समस्या बतानी है, उसके बाद आपको बैंक में बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है आपकी परेशानी जो भी समस्या है जो कंप्लेंट थी उसके जो है सलूशन बैंक द्वारा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बैंक के लिए जो है कंप्लेंट इस नंबर से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसे आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।